उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से ब्रेकिंग न्यूज। जमीनी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंका। युवक की उम्र लगभग 21 साल बताई जा रही है। घटना बहराइच जिले के हुजूरपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सखौता के मजरा बोटन पुरवा की है, जहां का रहने वाला रमेश पुत्र देवी दीन करीब 7 दिन पहले रिश्तेदार के यहां जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही भगड़बा पुल के पास उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया। लगभग 6 दिन बीत जाने के बाद लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को निकलवाकर पीएम के लिए भेज दिया। हत्या की सूचना से मृतक रमेश के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के घर वालों ने गाँव के लोगों पर जमीनी विवाद के चलते रंजिशन हत्या करने का आरोप लगाया है। क्या आपका गांव का नाम क्या है? हुआ क्या था? यही लिया मेरा भैया मार डाय ना कहीं ना पुल पर पैबा बापोत में एक जन का चाहे जी का तमीर और बहाय देबा भगड़वा पुल पर भगड़वा पुल पर भैया कहीं ना तो वह भगड़वा पुल पर मार डाय भैया खबरा वहाँ कहीं जलकुम भंडार के मारी नहीं है। नाम क्या है आपका? देवी दिया। गाँव का नाम क्या है? बोटन पुरवा। मृतक का नाम क्या है? रमेश कुमार। हुआ क्या था? दौड़ते दौड़ते नरौंडा घाट से मेरी लाश रमेश कुमार का मिली। जब रमेश कुमार जब मिला तो उसके मुंह में पन्नी काफी उसके अंदर थी, एक कम से कम 2 अंगुल पन्नी बाहर थी। ये मेरे कान जैसा हुआ कि इसको मार के किसी ने डाल दिया है। शक है किसी के ऊपर? पूरा है। किसके ऊपर शक है? राम जागे, सिद्धांत, संजय, तारा देवी, ये चारों लोग का हाथ है पक्का। कहाँ के हैं लोग? हमारे गाँव के हैं। सूचना दी? सूचना रमेश के बारे में सूचना थाने में हुजूरपुर में दिया, नामजद रिपोर्ट किया चारों लोग के नाम से। उसी दिन सोमवार के दिन यहाँ पे हरिंदर सिपाही ने आए, उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं की।